नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। बचपन में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक ताकतवर हाथी जमीन पर चलने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े और चींटियां थी उनको मसल देता था। एक दिन एक चींटी ने फैसला किया कि इस हाथी को सबक सिखाना है, इसलिए वो उसकी सूंड में चढ़ गई और वो जब तक नहीं उतरी जब तक उस हाथी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। इस देश के बारे में अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन ने भारत सरकार की वैसे ही सूंड पकड़ ली है। अभी हम जयपुर में हैं, जयपुर में बीएम बिरला ऑडिटोरियम के सामने, जहां पे आज किसान संसद चल रही है, जहां पे किसान जो प्रस्तावित ये जो कानून है उन पे बात कर रहे हैं, साथ में अपनी भारत बंद की जो 27 तारीख की तैयारियां हैं उनको लेके भी वो अपनी हम कहें योजनाएं बना रहे हैं। आखिर क्या है पूरी भारत बंद को योजना और आखिर क्या कहते हैं किसान इन कृषि कानूनों के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। जो सरकार कहती है ना, ये बताओ कि कानून में काला क्या है, भी बार बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर बार बार बोलते हैं मीडिया में कि ये हमें बता नहीं पाए काला क्या है। हम इस देश में इतने हजारों लाखों लोग तैयार करना चाहते हैं कि जो बता सके कि कानूनों में काला क्या। आज इस जयपुर में जो जनसंसद हो रही है इसमें सभी लोगों ने बताया कि काला क्या। इससे पहले हमने जो पार्लियामेंट लगाई उसमें बताया और सरकार को भी बता चुके हैं। तो हम इस कानून को क्या काला है, किस तरह ये लोगों के खिलाफ है, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, हर उस आदमी के खिलाफ है जो रोटी खाता है, तो उसको पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस कानून के बारे में और कानूनों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, उसी के तहत ही आज की हुई है। किसान संसद में आने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें अपना पॉइंट रखना है, क्योंकि हम लोग भी किसानों के साथ हैं। किसान का सिर्फ अकेले का मुद्दा नहीं है कि किसान लड़ रहा है तो उसे लड़ने दिया जाए, ये अन्न का मसला है, ये अन्नदाता का मसला है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसान का मसला है उसे लड़ने दो। ये हमारी पूरी इंडिया, हमारे भारत के अन्नदाता का मसला है, तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते कि हम लोग चुप बैठकर अपने घर में बैठ जाएं और उनको अकेले को निपटने दें। विपक्ष पार्टियां सभी बीजेपी इसी किसान मोर्चा को समर्थन दे रही है। इसके अलावा जो एनडीए के घटक दल भी है ना, वो भी किसान मोर्चा को, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए घोषणा कर चुके हैं। और यही नहीं, बीजेपी के कई नेता इसमें मतलब किसान मोर्चा इसमें किसान आंदोलन में कूदने को तैयार हैं। जैसे राज्यपाल, अभी राज्यपाल एक इस्तीफा देके और वो उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैं तो किसानों के साथ हूँ। है अभी एक गुजरात के एक एमएलए ने कहा मैं किसानों के साथ हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे सब, तो किसान से सभी प्रभावित है। हर एक वर्ग खुलकर इस किसान आंदोलन में सरकार के विरोध में आकर खड़ा हुआ है। तो जिससे जो मोदी जी हमारे कहते हैं ना कि ये किसान बरगलाए हुए हैं, मैं तो कहती हूँ कि हमारी सरकार झल्लाई हुई है। अगर मैं इन पर्टिकुलर इन तीनों कानूनों पे बात करूँ तो इन्होंने किसान आंदोलन को, बल्कि कोई सा भी आंदोलन जो कि सरकार के विरुद्ध होने जा रहा है, ये इसको बदनाम करते हैं। पहले तो अगर आपने जेएनयू के छात्रों का आंदोलन हुआ तो उसको टुकड़े गैंग कह दिया, उसके बाद अगर शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो कहा कि ये तो दिल्ली से पाकिस्तान से इनके पास पैसा आ रहा है, बिरयानी खा रहे हैं, ये हो रहा है। और जब हमारे सिख बंधुओं ने आंदोलन किया तो कहा गया तो खालिस्तानी आंदोलन। तो इन्होंने क्या है कि पहले आंदोलन को बदनाम करते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि अगर ये टिक नहीं पा रहे सतह पर तो फिर उसके बाद ये कोशिश करते हैं कुछ नेविगेशन कर लें और उसके बाद कुछ काम कर लें। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ बातचीत से काम चलने वाला नहीं है, तीनों ही मुद्दों पर बातचीत पर काम चलने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर एक अभी आदमी को दिक्कत है उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, अगर ये कहती है कि सिर्फ एक दो स्टेट्स की प्रॉब्लम है, क्या वहां पर लोग नहीं रहते? अगर उनकी दलील को मान भी लिया जाए कि एक दो स्टेट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन ये पूरे देश के लोगों की समस्या है, सभी लोग पीड़ित हैं। और देश के 15 और 16 स्टेट्स में पहले भी जब बंद किया तो उसका असर हुआ। कोई स्टेट्स पूरी तरह बंद होते हैं, कोई आधे बंद होते हैं, तो कोई कम बंद होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि ये दो तीन स्टेट्स की मूवमेंट है। और इस स्टेट्स की, इस मूवमेंट की चर्चा तो इंटरनेशनल लेवल पे है, यूएनओ में चर्चा हुई है, यूके की असेंबली में चर्चा हुई है। तो वो कैसे बोल सकते हैं ये दो तीन स्टेट्स की प्रॉब्लम? इनकी सोच ये है कि जनता को आर्थिक रूप से इतना मजबूर कर दो, इतना मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कर दो कि शासन अपने आप चलाते रहे हैं। जैसे कि आरएसएस ने पहले मुस्लिम्स को निशाना बनाया तो ये पीछे पड़ गए सीएनआरसी लाकर मुसलमानों के। अब आरएसएस लेकर आ रही है किसानों के लिए बिल, तो अब ये किसानों के पीछे पड़ गए। आरएसएस का मुद्दा सिर्फ इतना है कि भारत को एक ब्राह्मणवाद बनाया जाए, भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं रहने दिया जाए, भारत को ब्राह्मणवाद में कन्वर्ट किया जाए, जो कि हम नहीं होने देंगे। ये कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तीन लिस्ट है लॉ मेकिंग के बारे में, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जे एग्रीकल्चर जी है जो स्टेट सब्जेक्ट है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना नहीं सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून बनाया। तो एक तो जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। दूसरा, क्योंकि जो आरएसएस की पॉलिटिक्स है, जो वो कहती है कि एक देश एक कानून, एक मंडी, एक नेता, एक टैक्स, एक धर्म, एक भाषा, वो सब एक करना चाहती है। उसी के तहत ही उन्होंने स्टेट्स के राइट में इनक्रोचमेंट किया, स्टेट्स के राइट को खत्म कर दिया, और उसी के तहत ही ये कानून आए हैं। तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसी की तरफ, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ही ये कानून है। ये सिर्फ कृषि कानून नहीं है। कभी सोचा कि इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ेगा? सोचा नहीं था, पर इन लोगों ने नौबत ऐसी डाल दी कि हम लोगों को साथ देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि छात्र जीवन में दिमाग खुलने लगता है और सब चीज समझ में आने लगती है क्लियरली कि ये चीज हो रही है तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा। हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, वहां पर हमें अर्थव्यवस्था या सब चीज पता चलती है। अभी किसानों को टारगेट कर रहा है तो उसमें वो अकेला तो नहीं खाता, अगर कमाता है, वो उगाता है तो उससे पूरे देश का पेट भरता है। और अगर वो उगा ही नहीं पाएगा और अगर उगा के कंपनियों को बेच देगा तो उसमें गरीब लोगों का तो अभी भी शोषण है, वो लोग खा ही नहीं पाएंगे, वो तो पहले से ही ऐसे मर मर के जी रहे, उनकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी इस तरह से। देखिए, इससे पहले भी जब जब भी किसानों की कोई पुकार आई तो हमने उस पर लबरे कहा, यानी हम लोग पहुंचे हैं। शाहजहांपुर में हम दो बार जा चुके हैं, वहां पर हम मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए। इससे पहले भी हमने दलित समुदाय के लिए उनके साथ मिलकर 4 अप्रैल को बंद करा चुके हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शित कर चुके हैं। और लिहाजा 27 अप्रैल का जो बंद है इसको भी हम सक्सेस, 27 सितंबर का इसको भी हम जो है सक्सेस कराएंगे। हमने छोटी छोटी टीमें, छोटे छोटे ग्रुप है, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो भारत बंद, अगर ये किसानों का फैसला है भारत बंद होना, तो ये होना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया एक दिन खाने बगैर नहीं रह सकती है तो वो किसान अपनी भूमि के बगैर कैसे रह लेगा। वो आप लोग कह रहे हो कि किसानों की भूमि उनसे नहीं छीनी जाएगी, हाँ हम भी मान रहे हैं उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। और बंधुआ मजदूर का हम सब जानते हैं कोई वजूद नहीं होता है, वो अपने मालिकों के हुक्म के अनुसार काम करता है। और बंधुआ मजदूर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा, जबकि वो मालिक है उस जमीन का। मूवमेंट लगातार बढ़ रही है, फैल रही है, देश में लोग जुड़ रहे हैं, और इसका भारत का जो भारत बंद होगा वो बहुत बड़ा होगा। इस बार आप देखना कि भारत बंद के तहत राजस्थान बंद जो है वो इतना सटीक, इतना फर्स्ट क्लास होगा। इसकी तैयारियां हमने, हर यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने गांव लेवल तक कर दी, पूरी तैयारी कर लिया। 27 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा और इसमें हमारे नौजवान, महिलाएं, किसान सब शामिल है।